Hey guys, कैसे हो आप सब? Welcome back to our channel. As I said in my previous video कि अप्रैल के महीने में M33 5G लॉन्च होने वाले हैं. So the Samsung Galaxy M33 5G is here. In this video, I'm gonna review this smartphone. Shortly मैं review करेंगे. And if you are planning to buy this smartphone, तो ये video को लास्ट तक जरूर देखना. क्योंकि आज की इस video में हम आपको बताने वाले कि ये smartphone worth it होगा, नहीं होगा, क्या-क्या specification के साथ आता है, क्या-क्या drawback आपको ये smartphone में देखने को मिलता है. यानी कि complete review में आपको इस video में देखने को मिलने वाला है. Do watch this video till end. Don't forget to subscribe the channel. My name is Shay Gaparas. Let's start the video. ओके गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट दी बॉक्स. आजकल ना डाइट का माहौल चल रहा है, सभी ब्रांड्स अपने स्मार्टफोन को डाइट पे भेज रहे हैं यार. सबके बॉक्स जो है काफी ज्यादा छोटे होते जा रहे हैं. जो ट्रेंड चल रहा था ना चार्जिंग एडेप्टर को बॉक्स से रिमूव करने का, वही ट्रेंड आपको अब बजट सेगमेंट वाले स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा है. अब बजट सेगमेंट वाले स्मार्टफोन के बॉक्स में भी आपको चार्जिंग एडेप्टर देखने को नहीं मिलेगा. काफी ज्यादा सिंपल है. बॉक्स कंटेंट के बारे में अगर बात करें तो आपको मेन स्मार्टफोन मिल जाएगा, टाइप सी चार्जिंग केबल आपको देखने को मिल जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन एंड सिम इजेक्टर टूल, बस इतना ही आपको देखने को मिलता है. एंड फोन के इन हैंड फील के बारे में अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा फोन ह्यूज है, काफी ज्यादा प्रीमियम आपको इन हैंड फील आपको देखने को मिलेगा. बैक साइड की अगर बात करें हम तो बैक साइड में आपको ग्लास टाइप आपको फील होगा, क्योंकि ग्लॉसी ग्लॉसी चिकना चिकना मटेरियल यूज किया गया है, बट ग्लास नहीं है, आपको मेड विथ प्लास्टिक आपको देखने को मिल जाएगा. फ्रंट साइड की अगर बात करें तो आपको फ्रंट साइड में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास पाई का प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलता है. यानी कि ऑन स्क्रीन अगर आपका फोन गिर भी जाता है तो कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा. डिस्प्ले के बारे में अगर बात करें तो 6.6 इंचेस का फुल HD LCD स्क्रीन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, जो कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ आता है. एंड ऑब्वियसली कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का 5 का प्रोटेक्शन है, तो या ऑब्वियसली डिस्प्ले काफी ज्यादा तगड़ी है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको डिस्प्ले में आपको देखने को मिलेगा. व्यूइंग एंगल के बारे में अगर बात करें इस स्मार्टफोन के बारे में, तो आप किसी भी व्यूइंग एंगल से ये स्मार्टफोन को देख लो तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा. अब एक ड्रॉबैक मुझे ये स्मार्टफोन में लगा है, वो है इसका नॉच. काफी ज्यादा आउटडेटेड नॉच आपको ये स्मार्टफोन में देखने को मिलता है. वाटर ड्रॉप नॉच होती थी काफी ज्यादा अच्छी बात होती थी. सो या मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको नॉच के बारे में कैसा लगा. स्क्रीन ब्राइटनेस के बारे में अगर बात करें ये स्मार्टफोन की, तो स्क्रीन ब्राइटनेस काफी ज्यादा है. तो या अगर आप आउटडोर ज्यादा फोन यूज करते हो तो आपको कोई भी स्ट्रगल देखने को नहीं मिलेगा, आप आराम से फोन यूज कर पाओगे. तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको इसका डिस्प्ले कैसा लगा. ओके गाइस, पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आपको जो है साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर एंड वॉल्यूम बटन आपको देखने को मिल जाएगा. डाउन साइड 3.5 mm जैक, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट एंड स्पीकर आपको देखने को मिल जाएगा. टॉप साइड में आपको नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है. एंड लेफ्ट साइड आपको सिम ट्रे आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट आपको उसमें देखने को मिल जाएगा. ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है. One UI 4.1 विद Android 12 के साथ आपको ये स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, जो कि Samsung कहता है कि 2 years का आपको बिग अपडेट आपको देखने को मिलता रहेगा एंड 4 years का सिक्योरिटी पैच अपडेट आपको देखने को मिलता रहेगा. यानी कि अगर आप फोन अभी के टाइम पे लेते हो तो यानी कि 2 साल के बड़े अपडेट, 2 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट, यानी कि 4 साल तक आपका फोन अप टू डेट रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा. सो ये अपडेट के मामले में काफी ज्यादा अच्छी बात है. कमेंट में जरूर बताना कि अपडेट का आपको ये कैसा लगा. ओके गाइस, रैम एंड स्टोरेज के बारे में बात करते हैं तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 2 variants आपको देखने को मिलेंगे. द फर्स्ट वन इज 6GB रैम एंड 128GB एंड द सेकंड वन इज 8GB रैम एंड 128GB. एंड ऑब्वियसली इस स्मार्टफोन के अंदर आपको वर्चुअल रैम का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, यानी कि विच इज डबल ऑफ द रैम आपकी कर देगा. 6GB रैम अगर आपके पास है तो 12GB तक आप आराम से इजिली कर सकते हो, 8 है तो 16 तक आप आराम से इजिली कर सकते हो. बैटरी के बारे में अगर बात करें तो 6000 mAh की बैटरी आपको ये स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगी, जो सैमसंग क्लेम करता है कि 2 दिन तक आपकी बैटरी टिक जाएगी, विच इज वेरी गुड, काफी ज्यादा अच्छी बात है दोस्तों. प्रोसेसर के बारे में बात करें तो Exynos 1285 nm वाला प्रोसेसर आपको ये स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा, विच इज क्वाइट गुड. परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो डिसेंट परफॉर्मेंस आपको ये स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगी. गेमिंग वगैरह करोगे तो आप अच्छे से हाई सेटिंग्स पे गेमिंग वगैरह आप आराम से इजिली कर पाओगे. कैमरे के बारे में अगर बात करें तो 50 MP का रियर कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा, 5 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का डेप्थ सेंसर एंड 2 MP का मैक्रो कैमरा आपको इसमें देखने को मिल जाएगा. सेल्फी कैमरे के बारे में बात करें तो 8 MP की सेल्फी कैमरा आपको इसमें देखने को मिल जाएगा. एंड ऑब्वियसली दोस्तों ये 8 से 16 MP तक होता तो काफी ज्यादा अच्छी बात थी. तो फ्रंट कैमरे के अगर बारे में बात करो तो थोड़ा सा लो मेगापिक्सल आपको इसमें देखने को मिल रहा है. एंड अगर आप ज्यादा सेल्फीज वगैरह क्लिक नहीं करते हो, रियर कैमरा ज्यादा यूज करते हो, या फिर ऑब्वियसली कैमरा ज्यादा यूज नहीं होता है, तो या फिर आप ये फोन को कंसीडर कर सकते हो. बेसिकली 8 से 16 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पे सेल्फी का होना चाहिए था, बाकी का जो कैमरा है 50 MP का, विच इज वेरी गुड, काफी ज्यादा अच्छी बात है. प्राइस के बारे में बात करते हैं तो 15,999 rupees में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा. अब एट दिस प्राइस 16,000 rupees में क्या ये फोन वर्थ इट है या नहीं है? अब देखो दोस्तों, अगर आपका काम ज्यादा नहीं है स्मार्टफोन को लेके, मल्टीमीडिया ज्यादा यूज करते हो और यूट्यूब वगैरह देखते हो, गेमिंग ज्यादा नहीं करते हो, नॉर्मल गेमिंग करते हो, ज्यादा हाई सेटिंग्स पे हाई ग्राफिक्स पे गेमिंग नहीं करते हो, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट
ऑप्शन हो सकता है। और एक ड्रॉबैक इसका ये है कि इसका नॉच यार आउटडेटेड नॉच इसमें देखने को मिलता है, लुक्स थोड़ा सा सामने से पुराना दिखता है। और वाटर ड्रॉप नॉच होता था काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होती, लेकिन एट द एंड फोन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फोन है। अगर आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो फोन को तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मुझे अभी तक मैंने इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलो लाइक नहीं किया तो फॉलो लाइक कर देना, वहाँ पर भी मैं टेक रील्स डालते रहता हूँ तो वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं इसी कमाल की वीडियो के साथ, चलिए गाइस बाय।